भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत इग्नाइट क्लासेज कोचिंग संस्थान को अचानक बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। संस्थान की ओर से छात्र छात्राओं के सिलेबस पूरा किए बगैर संस्थान बंद किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गई हैं। आज दर्जनों छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक संस्थान पहुंचे और बवाल काटा। उन्होंने सेंटर हेड का घेराव कर दिया। अभिभावक और छात्र पैसे वापस करने या सिलेबस पूरा करने की मांग पर अड़ गए। घंटों विवाद के बाद सेंटर हेड ने निदेशक से बात कर लिखित देने की बात कही। छात्रों की माने तो अचानक सेंटर बंद किया जा रहा है, ऐसे में उन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। दूसरे संस्थान भी एडमिशन लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे, वहीं सेंटर पैसा वापस नहीं कर रही है। संस्थान में 2 महीने से केमिस्ट्री बायोलॉजी व मैथमेटिक्स की पढ़ाई नवंबर से नहीं हो रही। 2 साल के कोर्स के लिए 1,30,000 रुपए लिए गए हैं। वहीं सेंटर हेड अलका कुमारी ने कहा कि हम बिजनेस कर रहे हैं और अपना डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, हम लॉस में जा रहे थे इसलिए बंद कर रहे हैं। अभिभावकों की डिमांड है कि लिखित दें कि रुपया वापस करेंगे, उन्हें हम लिखित देंगे। अब सवाल यह है, जिस तरह से सेंटर हेड ने कहा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोचिंग संस्थान इन्होंने बिजनेस के लिए खोला है। शिक्षा को बिजनेस बनाया गया है, क्यों ना ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। प्रॉब्लम है क्या, क्यों बंद हो रहा सर, है? अप्रैल में मेरा बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आपका ये दिसंबर में जाके इनका फैकल्टी गायब हो गया। दिसंबर जनवरी कोई फैकल्टी नहीं, गार्जियन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट इन लोग अभी कल मेरे फादर आए यहाँ बात करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि आपका रिफंड हो जाएगा। जहाँ पे फ्री रिफंड का बात आता है, आप भैया 100% वापस कीजिए, नहीं, इनका कहना है मेंटेनेंस फी सब फी काट के जो ट्यूशन फी है उसका 50% देंगे। तो मुश्किल से अगर हमने 1,20,000 जमा किया तो उसका मेरे को मुश्किल से हमको लगता है 20 से 25,000 मिलेगा। उससे क्या आगे इस मतलब मेरे बच्चा का भविष्य है, उससे अभी हम अगर कहीं पे जाते हैं 25,000 में फिर से पढ़ेगा, और जहाँ तक है अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हमको तुरंत फी मांगेगा। इनका कहना है फी 15 तारीख तक, कल के दिन ये अगर भाग गए तो हम कहाँ खोजेंगे, किनको खोजेंगे? आप क्या करेंगे आप लोग, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा? हम लोग यहीं पे हैं, इन लोगों ने बोला है बात करते हैं, डायरेक्टर से बात हो रहा है, आधा घंटा में बताते हैं क्या होगा, देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। हम लोगों को है ना बोला गया था अगर इग्नाइट बंद ही होना तो स्टार्टिंग में तो पहले एडमिशन नहीं लेता, ठीक है, मान लिए ले भी लिया आप एडमिशन, तो फिर है ना जनरली कोई भी कोचिंग में ना अगर क्या बोलते हैं 11th 12th कंप्लीट करता है तो फिर वो पूरा मार्च तक कंप्लीट होना चाहिए था। पूरा 11th का जो सेशन होता है वो 2023 मार्च से 2024 मार्च तक होना चाहिए, बट ये लोग दिसंबर में ही कंप्लीट कर दिया। आप तो सोच सकते कितना स्पीड में किया होगा, और दिसंबर से कोई फैकल्टी नहीं आ रहे सिवाय फिजिक्स को छोड़ के, और फिजिक्स भी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, ना हम लोग को डाउट मिल रहा है, ना हम लोग का कोई भी रिविजन हो रहा है, क्योंकि 11th में तो रिविजन चाहिए। बहुत सारा चैप्टर, जैसे कोई एक चैप्टर मान लीजिए वो थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है, उसको एक वो 1 महीना या 1.5 महीना का चैप्टर उसको 1 दिन में कंप्लीट करवा दिया। यहाँ से क्या बोला गया है कि है ना कि अभी तो टीचर्स नहीं आ रहे हैं, अभी बस एक फैज सर है वो पढ़ाते हैं, बस वही पढ़ाएंगे। क्या लगता है खिलवाड़ किया गया आप लोग के भविष्य? बिल्कुल ऑब्वियसली ये कोई पूछने वाला बात है। कितना रुपया लिया गया? 1,00,000 समथिंग लिया गया, वो स्कॉलरशिप 1,30,000 स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है। आप आगे कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं नहीं, अब ऑप्शन ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कोचिंग जैसे मैथ्स का कोचिंग हमें ना कहीं पे अगर पता करते हैं तो हम लोग बोलेंगे आप 11th पढ़ाइएगा, तो बोलेंगे नहीं क्यों पढ़ाएंगे वो 11th, वो तो बस 12th का ही लेंगे ना, वो 11th क्यों पढ़ाएंगे? एक साल में 11th 12th दोनों साथ में कंप्लीट करना, आधा कंप्लीट किया है, पूरा कंप्लीट 11th भी नहीं किया है और 12th उसका बाकी है। IIT और JEE का तैयारी करवा रही हैं और हमको 2 साल का ये हमको बोली है कि एग्रीमेंट करवाई है, 2 साल के एग्रीमेंट में ये हमको आधे में भेज रही है, कहाँ आधे मेरा बच्चा जाएगा? आधा भी कहाँ हुआ बाबा, 9 महीना हुआ है, 9 महीना हुआ है। नहीं नहीं जो बोल रही है 11th हम अपना कंप्लीट किए हैं, 11th कंप्लीट किया, कोई 11th कंप्लीट नहीं हुआ है, 11th भी बाकी है और 12th जो है ना वो पूरा बाकी है, उसका तो लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे बच्चे के साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा तो हम तो उसको नहीं ना इग्नोर करेंगे, आप इग्नोर कीजिए, बंद कर देंगे। हाँ इग्नाइट बंद हो रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, इसको पैसा नहीं है, अपना पैसा पूरा नहीं दे पा रहा है। हम तो किस्त वाइज जमा कर रहे हैं, 1,20,000 पे बात हुआ था, दो साल बीच में ही बंद करके जा रहे हैं, हम हर इंस्टॉलमेंट में पैसा उसको भर रहे हैं। क्या लगता है बच्चे में भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था? पूरा खिलवाड़ हो रहा है, तो पूरा खिलवाड़ हो रहा है। मैडम कह रही है कि पैसा आपको दे देंगे, जितना सा आपका बाकी है उतना सा हम देंगे, हमको बाकी पैसा नहीं चाहिए, हमको टोटल इतना सा भी नहीं बोल रही है। 40,000 रुपया यहाँ एडमिशन का चार्ज लिया गया है, उसके उसमें
उसके बाद फिर अलग फीस उसमें भागने का बंद करके चला जाएगा भैया, तो हम लोग कहाँ देंगे, पैसा भी चला जाएगा, मेरा बच्चा का लाइफ के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। हम उतना रही आदमी तो नहीं है कि हम 2 लाख 1.5 लाख सब जगह फेंक के अपना बच्चे को पढ़ाएंगे। बिना पैसा लिया कर रही हूँ। तो कितना पेमेंट वापस? पेमेंट जो उनका डिमांड था ऑन प्रोसेस उनका है कि नहीं, हमें डायरेक्टर का चाहिए रिटर्न पे ये एप्लीकेशन, उसी का मैं जो हूँ मंगवा रही हूँ। क्या दिलवा रहे हैं? उन्हीं के अनुसार से। क्या उन्होंने कहा कि रिटर्न चाहिए कि आप जो टाइम देंगी जब हमें बुलाएंगे वो रिटर्न दीजिए, डायरेक्टर के पैड पे चाहिए उनका। हाँ। तो वही मंगवा रही हूँ। डायरेक्टर अभी यहाँ कितना हुआ ये तो नहीं, वो तो सारा हिसाब रहता है सर। हाँ। मुंह पर नहीं रहता है। जो होगा जो भी होगा है ना, वो प्रोसेस में होगा, जो गार्जियन बोले वही उनको रिटर्न दिया जा रहा है। 11 12th के बच्चे में पीक पॉइंट होते हैं अपने करियर को लेकर, वो सब कोई जानता है सर। लेकिन हम अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं और हम सक्षम नहीं है तो हम डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सुनिए ना, और एक मुकाम पे लाके ही हम छोड़ रहे हैं। हम 11 में बच्चे को बीच में नहीं छोड़े है ना? बच्चे को कहीं और तो एडमिशन करवा नहीं रहे, अब बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कहीं कोई नहीं होगा, ये एकदम होगा सर। हमारे यहाँ से भी 12 के लिए बच्चे 11 के बाद जाते हैं, 12 में बच्चे बहुत जाते हैं, छोड़ते भी हैं, आते भी हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं। क्या मुख्य कारण क्या है, क्यों बंद हो रहा है ये? मुख्य कारण क्या है, हम नहीं चलाना चाह रहे हैं तो नहीं चला, लॉस में जा रही है कंपनी, वो तो जाएगी। आज हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और वो कुछ तो ऐसा होगा तभी ना। फिर इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अब पूरा पैसा लोगे तभी ना अगला एडमिशन होगा। जो भी होगा सर, जो जायज होगा वो होगा है ना। अपना परिचय परिचय दे दो। नाम? मैं डॉक्टर अलका सिंह, सेंटर हेड। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राज रतन नाथनगर थाना अध्यक्ष की तरफ से सभी जिलेवासियों, बिहार वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नमस्कार, मैं राजकुमार रंजन, पहल कंपनी की तरफ से भागलपुर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि देश के कानून का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई अन्य। सड़क सुरक्षा में हमारी सोसाइटी लगातार कार्य करती है, लोगों को जागरूक करती है। आपसे निवेदन है कि यातायात के सारे नियमों को पालन करें, ओवर स्पीड, ओवरटेक करना, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता एवं चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही देश के लिए महत्वपूर्ण है, आप सावधानी रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सर्कुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंचायती राज प्रकोष्ठ के सर, मुखिया सर, जिला उपाध्यक्ष भागलपुर की ओर से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को जिला जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये कामना भी करता हूं कि पूरे देश में एकता और अखंडता के साथ पूरा संपूर्ण देशवासी रहे। मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल की प्राचार्य हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने विद्यालय के बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, पूरे भागलपुर वासियों को एवं देशवासियों को 26 जनवरी के ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बधाइयां देना चाहती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार,
मैं पंकज कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, वार्ड संख्या 50, वार्ड संख्या 50 की सभी देवमयी जनता और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की सभी देवमयी जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर देर रात अपराधियों ने पहले मैट्रिक के 16 साल के छात्र प्रिंस की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी, फिर युवक को मौत के घाट उतार दिया। प्रिंस गोली लगने के बाद पटरी पर गिर गया। वो ललमटिया थाना क्षेत्र के कुंडी टोला के स्वर्गीय बबलू शाह उर्फ तरुण का पुत्र था, जबकि शेखर कुमार गोली लगने के बाद वहां से भाग गया। एक दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। दो हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर नाथनगर ललमटिया और रेल थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। मामले को लेकर भागलपुर की CTSP अमित रंजन ने बताया कि नाथनगर रेलवे स्टेशन पर एक ही गिरोह के द्वारा 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे मामले की छानबीन रेलवे पुलिस कर रही है और जहां भी रेल पुलिस को हमारी आवश्यकता होगी हम उनका सहयोग करेंगे। नाथनगर स्टेशन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही नाथनगर SHO वहाँ पहुंचे, GRP थाना भी वहाँ पहुंचा और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि मायागंज अस्पताल में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तो दोनों इंसिडेंट की जब इनिशियल जांच की गई तो दोनों इंसिडेंट अभी जो ऐसा इनिशियल जांच में लग रहा है कि एक ही गैंग ने किया है और उसका जो पूरा मामला है वो GRP उसकी जांच कर रही है और वहीं पर उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है, उसके उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बता सकते हैं। अब उसका जो पूरा मामला है वो GRP के संज्ञान में है, वही लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें सपोर्ट कर रही है और इनिशियल जो भी चीज़ें आई हैं उसके आधार पे हम लोग ने ये पता किया है कि ये इंसिडेंट दोनों जो थे वो एक ही जगह पे हुए हैं और GRP उसका कांड दर्ज करके और फिर हम लोग उसको टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो भी देंगे और वो भी अपने तरफ से अनुसंधान उसमें करेंगे। विक्रमशिला सेतु की समानांतर बन रहे नए 4-लेन पुल के निर्माण कार्य का DM सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश, इस्माइलपुर प्रखंड के BDO विक्रम कुमार, CO खुशबू आजम व SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर BK राय, इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष एजाज रिजवी उपस्थित रहे। परियोजना निदेशक ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4-लेन पुल की कुल लंबाई 4455 किलोमीटर है। पुल का निर्माण कार्य SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। मई 2023 से नए 4-लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, इसे मई 2027 तक पूर्ण करना है। पुल के लिए 40 पाया का निर्माण किया जाएगा जिसमें 7 पाया बन गया है, 3 पाया पर काम हो रहा है। DM ने मोटर बोट से निर्माणाधीन स्थल का भ्रमण किया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, वर्तमान में भू अर्जन संबंधी कोई समस्या नहीं है। DM ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पिछले वर्ष से कार्य हो रहा है, कार्य काफी तेजी से हो रहा है, दिन व देर शाम तक कार्य होता है, कोई समस्या नहीं है, निर्धारित समय से पुल व पहुंच पथ का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में निर्माण कार्य को पूर्ण होने की संभावना है। 4-लेन पुल का निर्माण होने से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार से जुड़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी व भागलपुर के अतिरिक्त अन्य जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल जो है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है पिछले साल से ही और इसमें तेज गति से काम चल रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं 40 वेल का काम होना है जैसा बता रहे हैं, 7 वेल में काम शुरू भी हो गया है और टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। जमीन वगैरह सब हम लोगों ने पहले
ही जो है उपलब्ध करा दिया था, और खुद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उसके जो हेड हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, सब लोग इसको देख रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद है कि जो आगे आने वाला समय है, जो निर्धारित समय है, उसी में जो है ये ब्रिज और रोड जो है बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे खास करके नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना, झारखंड पश्चिम बंगाल जाना, इसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने के लिए आए हुए थे, और काम अपनी गति से जो माइलस्टोन है और जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके साथ सारा सब कुछ संपन्न कराया जा रहा है। और अभी इसमें 3 साल का समय है, 3 साल में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर, नदी में कितने वेल होंगे और सूखे में? वो डिटेल में बता देंगे, मेरे ख्याल से 12-13 वेल उसमें नदी में होगा, टोटल 40 बनना है। और काम अभी शुरू हुआ है, मतलब ये लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, लेट इवनिंग भी कर रहे हैं, तो जो माइलस्टोन है उसको फॉलो कर रहे हैं और टाइम से काम चल रहा है। उम्मीद है कि समय से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बन जाने से न सिर्फ भागलपुर ज़िले को बल्कि आसपास के ज़िलों को भी, और बिहार का झारखंड से पश्चिम बंगाल से आवागमन जो है सुगम हो पाएगा। तो ये प्रायोरिटी में प्रोजेक्ट है, और वही हम लोग देखने आए थे कि कहीं कोई समस्या नहीं है, ज़मीन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है, और काम भी जो है एजेंसी सही तरीके से अपना समयबद्ध तरीके से करने का प्रयास कर रही है। तो इसमें आगे भी अगर किसी तरह कोई इशू आएगा तो उसको हम लोग देखें। सर, क्वालिटी को लेकर आए इस पर कंपनी पे उसमें तो चूंकि ये आप सब लोग जान रहे हैं कि मॉर्थ का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके वरीय पदाधिकारी इसीलिए खुद यहाँ कैंप किए हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आप देख रहे हैं मेरे साथ में भी थे, और जो भी होता है इन्होंने कई IIT रुड़की को, IIT बॉम्बे को इस तरह के जो डिज़ाइन है उसकी वेटिंग के लिए हायर भी किया है, तो वो सारा जो है मिनिस्ट्री भी देख रहा है, और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है वो भी उसको देख रही है। वो टेक्निकल बिल्कुल चीज़ है, उसमें मेरे स्तर से कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, जो इसके तकनीकी पदाधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वही इसके बारे में बता पाएंगे। और जैसा PD साहब बता रहे हैं कि ये लोग दो IITs को इसमें इंगेज किए हुए हैं, और वहाँ से सारा डिज़ाइन और जो भी काम हो रहा है उसकी वेटिंग वो लोग करा रहे हैं, मॉनिटरिंग करा रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यही हम लोग उम्मीद करें। पहुँच पथ को लेकर क्या है? पहुँच पथ भी जमीन दे दी गई है, पुल और पहुँच पथ दोनों का काम जो है समय से कंप्लीट हो जाएगा। बेटे पर गलत मुकदमा दर्ज कर फंसाए जाने को लेकर सुल्तानगंज के उपनगर सभापति नीलम देवी SSP आनंद कुमार से मिली। उन्होंने SSP को दिए आवेदन में बताया कि मेरे पुत्र अंकित कुमार को 4 नवंबर को हुए रंजीत पर गोलीकांड मामले में झूठे तरीके से फंसा दिया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराया है। उप सभापति नीलम देवी का कहना है कि रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव का सुल्तानगंज में आतंक है और कई आपराधिक इतिहास भी रहा है। 4 नवंबर को रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव पर गोलीबारी हुई थी। मामले में 3 अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में उपसभापति नीलम देवी के पुत्र अंकित पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर अंकित की माता पिता SSP आनंद कुमार से मिले। उन्होंने SSP से बताया कि इस कांड में हमारे पुत्र की संलिप्तता नहीं है, आवेदन में पेन ड्राइव में साक्ष्य को संघनन भी किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अंकित BTech की पढ़ाई कर UPSC की तैयारी कर रहा है, जो झूठे केस में फंसा कर जिंदगी खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरा पुत्र अंकित निर्दोष है, इस बात का प्रमाण मेरे द्वारा आवेदन के साथ पेन ड्राइव को देखने से स्पष्ट होगा। मामले को देखते हुए SSP आनंद कुमार ने जांच का भरोसा दिलाया है। यहां आपको बता दें कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घाट रोड में गंभीर कांडों के आरोपी रंजीत कुमार यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें रंजीत कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे फौरन इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद घायल की स्थिति खतरे से बाहर हो गई। बता दें कि रंजीत यादव नगर परिषद के पूर्व सभापति व वर्तमान पार्षद दयावती देवी के पति है। वही घटना की जानकारी के बाद SSP के निर्देश पर उस वक्त फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच भी किया था। पूरा मामला राजनीतिक से लेकर जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नगर परिषद का उपसभापति हूं। मेरे बेटा को हत्याकांड में जो है गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरा बेटा BEd करता है, मेरा बेटा यहां था नहीं, और उसी इस दौरान में कांड में फंसा दिया कि मेरा बेटा BTech फाइनल कर लिया है। मेरा बेटा सब दिन बचपन से ही जिस समय मैट्रिक पास किया उसी समय से मेरा बेटा कोटा में रह के पढ़ा, उसके बाद कॉलेज मिला बख्तियारपुर कॉलेज में रह के BTech किया, BTech फाइनल हो गया। सर, क्यों दुश्मनी से फंसाया गया है? किसने फंसाया? उसने मेरे पति को जो गोली मरवाया था ना, बुच्चा यादव, बुच्चा उर्फ रंजीत उर्फ कनबुच्चा यादव,
वो मेरे पति को गोली मरवाया था, जो गोली मार के भाग रहा था तो मेरे पति दौड़ के पकड़ लिए और वही सारा बात को बताएं, तो उसमें मेरा एगो बड़का बेटा जो है गवाही में थे। इस कारण से अब की बार उनको जो हुआ, तो जबकि मेरा एक बेटा बौसी में था, एक बेटा शांति समिति के मीटिंग में था, आए मेरा बड़का बेटा सिर्फ घर पे था और मालिक तो अस्वस्थ है, मालिक भी घर में पेन ड्रॉप जो दिए हैं उसमें ही देखें कि कहाँ के कौन आदमी हैं, गलत तरीके से फंसाया गया। जब हम आज आए हैं एसपी ऑफिस के डेरा पे, जी मिले ऑफिस में मिले सर से, सर आश्वासन दिए कि हम जो हैं जांच करेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। इंडिया लैंड्स में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। इसके साथ ही आज ममता बनर्जी भी बंगाल में रैली कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया लैंड्स के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर सियासत तेज है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जिस तरह ममता बनर्जी ने सीपीएम का हवाला दिया या उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं कहीं न कहीं इसके पीछे राज छिपा है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस में रही और अगर उनके लोग राहुल गांधी का पोस्टर फाड़ रहे हैं तो इससे राहुल गांधी और पॉपुलर होंगे। कांग्रेस और मजबूती से बंगाल में आएगी। गठबंधन में कोई नहीं रहना चाहता तो उनकी मर्जी है, लेकिन कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी है और अगर पोस्टर फाड़ेंगे तो ममता बनर्जी को बहुत नुकसान होगा और बंगाल में कांग्रेस विजय पताका लहराएगी। यह तो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, ममता जी भी थी। अब उन्होंने जो कल बयान दिया कि सीपीएम के चलते मैं अलग हो रही हूं, अब उनका वो अंदरूनी मामला है, लेकिन आप जिस तरह से पोस्टर फाड़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ है। आप कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है, और आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में ही थी, काफी वर्षों तक रही, और अगर उनके लोग पोस्टर्स आदरणीय राहुल गांधी का फाड़ रहे हैं, आपको बता दें इससे राहुल गांधी जी का कद बढ़ेगा, कांग्रेस और पॉपुलर होगी। जिस तरह असम में उनको मंदिर जाने से रोका गया, उनके न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया, प्रदेश अध्यक्ष को लहूलुहान किया गया, स्टूडेंट से मिलने नहीं दिया गया, अगर इस तरह से पोस्टर अगर फाड़ेंगे इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, कांग्रेस और मजबूती से बंगाल में आएगी। या मैं आपको ऐसा है, देखिए हम लोग गठबंधन क्यों कांग्रेस पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी देश के युवकों के हित में, महंगाई के खिलाफ, ये एक हम लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया था, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या क्या करेंगे हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, ये सब करके वो सत्ता में रहना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले पार्टी से बड़ा देश के लोग हैं, देश की जनता है, और सब लोग मिलजुल के देश का विकास करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया, और अगर गठबंधन में कोई नहीं रहना चाहता है तो उनकी मर्जी है, चाहे वो ममता जी हों और माननीय मुख्यमंत्री मान जी हों, वो तो उनका मर्जी है। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी देश की पार्टी है, जनता कांग्रेस की तरफ, आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रही है। अगर आप इस तरह से पोस्टर फाड़ेंगे तो आप बता दें ममता जी मुख्यमंत्री को काफी नुकसान बंगाल में होना पड़ेगा और कांग्रेस वहां विजय पताका। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने दो वर्षों से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय लुटेरा, नशा कारोबारी और भू माफिया सरगना भागलपुर की पुरानी निवासी मोहम्मद फैयाज को लोडेड देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ उसके घर से धर दबोचा। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोहम्मद फैयाज की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कुख्यात अपराधी को उसके घर से एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। सिटी एसपी ने बताया गिरफ्तार अपराधी का नेटवर्क बिहार, झारखंड और बंगाल में सक्रिय है। यह गिरोह मुख्य रूप से रंगदारी, नशा का कारोबार और भू माफिया के रूप में काम करता है। फैयाज के खिलाफ भागलपुर के जगदीशपुर थाने में ही 3 रंगदारी के मामले दर्ज है। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मोहम्मद फैयाज नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है, कुख्यात, 2 साल से फरार चल रहा था, इसको उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उस टीम को हेड कर रहे थे और इन्होंने एक छापेमारी करी टेक्निकल उसमें एविडेंस के आधार पर, और फिर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया है और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इसका जो गिरोह है पूरा
वो रंगदारी, स्मैक, भू माफिया इत्यादि में संलिप्त था और इस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो झारखंड एवं बंगाल में भी सक्रिय है। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन पे भी एविडेंस लेके फिर हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी जो हम लोग को टोटल जगदीशपुर थाना ही चेक कर पाए हैं तो जगदीशपुर में ही 3 रंगदारी के कांड दर्ज हैं, बाकी थानों में भी हम लोग पता कर रहे हैं और भी इसके ऊपर कांड दर्ज होंगे पूरे भागलपुर में और अलग अलग जिलों से भी पता करेंगे इसके बारे में। काफ़ी कुख्यात अपराधी है, 2 साल से फरार था और सीरियस ऑफेंसेस में इसके नाम है और जो टीम थी जो इस पर लगी हुई थी उसमें डॉक्टर गौरव, DSP लॉ एंड ऑर्डर, थानाध्यक्ष जगदीशपुर, रंजीत कुमार, ओम प्रकाश थानाध्यक्ष बाईपास और कृष्ण कुमार राय, अजय कुमार जगदीशपुर थाना से बाकी फोर्स था जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और एक कुख्यात अपराधी को। बिहार में सर्दी का सितम जारी है लेकिन स्कूलों को खुलवा दिया गया है। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने स्कूलों में छुट्टियां रद्द कर दी है। 2 छात्रों की मौत की बातें भी सामने आ रही है। इधर पटना DM और KK पाठक में छुट्टी को लेकर ठन गई है। इस पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कभी KK पाठक की जमकर सराहना करने वाले अजीत शर्मा ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। साथ ही पटना DM चंद्रशेखर का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत कर रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड है हम लोग पूर्णिया कार्यक्रम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 3-3 मौतें हुई हैं। KK पाठक सरकार नहीं होते हैं, वो पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों की मौत होती है तो जवाबदेही पदाधिकारियों पर होगी। पटना DM ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने सही निर्णय लिया है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो, चूंकि आज ठंड इतनी है, अभी हम लोग ठंड में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जबकि आदरणीय राहुल गांधी के कार्यक्रम में हम लोग पूर्णिया में भी पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल खोलना, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं और 3-3 मौतें हो गई है। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कोई KK पाठक सरकार नहीं होते, वो पदाधिकारी हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, इस ठंडक में स्कूल खोल रहे हैं, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को उनको बोलना चाहिए कि स्कूल को बंद करिए, जब ठंडा खत्म हो फिर चालू करिए। नहीं देखिए, जो भी निर्णय होगा, जो इस ठंडक में स्कूल को बंद रहे, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो देश के भविष्य है, बिहार के भविष्य है। अगर उनकी मौतें होती है और जो मौत होती है जवाबदेही किस पर होगी? पदाधिकारियों पर होगी। इसलिए DM अगर बंद रखे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि नहीं, आपने सही निर्णय लिया, इस ठंडक में स्कूल सारे को बंद होना चाहिए, जब ठंडक खत्म हो उसके बाद स्कूल चालू होना चाहिए। गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भागलपुर के सभी होटल और रेस्ट हाउस में पुलिस अवांछित लोगों के विषय में पता लगाएगी। CT SP अमित रंजन ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह से चौकस है और सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस पैनी नजर रख रही है और सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोग का निर्देश है कि जो होटल है और जो जहाँ पे ठहरते हैं और अनजान लोग का जो पहचान करके होटलों पे रेड करेंगे और जो भी सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे रेड्स करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को लग रहा है कि कोई मिसक्रियंट्स या उस तरीके के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वहाँ पे रेड इत्यादि।